सुप्रभात प्यारे बच्चों, नैतिक शिक्षा विषय की चौथी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ईश्वर कहाँ है। ईश्वर मतलब प्रभु परमात्मा। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे भगवान के बारे में। तो जो भी कठिन शब्द होंगे उनके अर्थ मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, तो आपने ध्यान से सुनना और समझना है। तो चलिए अब पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। माता पिता और आचार्य, ये तीनों गुरु कहलाते हैं। आचार्य होता है अध्यापक। माता पहला गुरु है। बच्चे को पहली शिक्षा माता से ही मिलती है। माता बच्चे को व्यावहारिक शिक्षा देती है। व्यावहारिक मतलब प्रैक्टिकल, अच्छाई बुराई सब कुछ समझाना, वो इसकी शिक्षा हमें माता देती है। उसे अपने शरीर के अंगों का, सगे संबंधियों का, बच्चे के संपर्क में आने वाले पशु पक्षियों का ज्ञान कराती है। उसे उठना बैठना, हंसना बोलना, दूसरों का आदर करना, आदर प्यार सिखाती है। तो ये चीज़ें जो है ये हमें माता से सीखने को मिलती है। फिर माता पुत्र को जो शिक्षा देती है उसमें पिता भी सहयोग करता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जिज्ञासाएं भी बढ़ने लगती हैं। जिज्ञासाएं होती हैं जानने की इच्छाएं। इन जिज्ञासाओं को उन्नत और प्रोत्साहित करने की मुख्य जिम्मेदारी पिता की होती है। माता सहयोग करती है। आचार्य का शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व उपनयन संस्कार के साथ, या यों कहें कि विद्यालय में प्रवेश के साथ आरंभ होता है। तो उपनयन संस्कार होता है विद्या अध्ययन शुरू करने का संस्कार। तो बेटा, हिंदू परंपरा के अनुसार मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए 16 संस्कारों को अपनाना जरूरी होता है। तो इन्हीं संस्कारों में जो 10वां जो संस्कार है वो है उपनयन संस्कार। अब पुराने समय में गुरुकुल में शिक्षा बच्चों को दी जाती थी, तो बच्चे का जो उपनयन संस्कार जो होता था तो उसमें बच्चे को गुरु के साथ भेज दिया जाता था विद्या अध्ययन करने के लिए। ठीक है। पुराने समय में बड़ों के प्रति शालीनता के तथा ईश्वर भक्ति के संस्कार बचपन में ही डाल दिए जाते थे। ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है आदि बातें बच्चा पिता से ही सीख लेता था। उन दिनों आजीविका की समस्या इतनी विकट नहीं थी। आजीविका होता है रोजगार, नौकरी करना, और विकट होता है मुश्किल। पिता को इतना समय आसानी से मिल जाता था कि वह पुत्र की शंकाओं को दूर करने के साथ साथ उसमें अच्छे संस्कार डाल सके। तो पुराने समय में इतना नौकरी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था, तो पिता जो थे वो घर में ही रहते थे ज़्यादा समय, तो वो बच्चों के साथ समय व्यतीत करते थे। ठीक है। उसी समय अब आगे जो कहानी शुरू हुई तो इसको आप ढंग से सुनेंगे। उसी समय के एक पुत्र ने पिता से पूछा, पिताजी, हम परमात्मा को मानते हैं, वह सब कुछ बनाता है, सब कुछ देखता है, उसमें कोई वस्तु कोई बात छिपी नहीं है, वह दयालु और न्यायकारी है। दयालु होता है दया करने वाला, और न्यायकारी न्याय करने वाला। हमें जन्म देने वाला, पालने वाला और मिटाने वाला भी वही है। वह हमारे भले बुरे सब तरह के कर्मों को देखता है, कर्मों मतलब कामों को, और उनका उचित फल देता है, ऐसा ही हम मानते हैं। पर वह रहता कहाँ है और कैसा है यह हम नहीं जानते। आपको यह सब मालूम होगा, अतः मुझे भी बताइए। तो ये सब प्रश्न एक पुत्र अपने पिता से पूछ रहा है। तो फिर पिता ने क्या जवाब दिया, सुनिए। पिता ने कहा, बेटा, परमात्मा सब जगह रहता है, संसार के कण कण में उसका निवास है। वह निराकार है, निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो। निराकार होने के कारण वह हमें दिखाई नहीं देता। इन कानों से हम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, हमारा हाथ उसे छू नहीं सकता, ये आँखें उसे देख नहीं सकती, रसना या जीभ उसे चख नहीं सकती, रसना मतलब जीभ, नाक से उसे सूंघा नहीं जा सकता। उसे बुद्धि के द्वारा विचारा जाता है, मन से मनन किया जाता है, आत्मा से अनुभव किया जाता है। अनुभव मतलब महसूस करना, योग साधना से पाया जाता है। कहा है, हर जगह मौजूद है पर वह नज़र आता नहीं, योग साधना के बिना उसको कोई पाता नहीं। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, भगवान इस संसार के कण कण में
विद्यमान है, वह हर जगह मौजूद है लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आता। भगवान को पाने के लिए योग साधना करनी पड़ती है, तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। ठीक है, तो फिर पुत्र ने कहा, मैं समझ नहीं पाया, कुछ और खोल कर समझाइए। तो पुत्र ने पिता से कहा कि पिताजी, मैं अभी कुछ समझ नहीं पाया जितना मैं समझना चाहता हूँ, तो मुझे और इसके बारे में बताइए। तो फिर पिताजी लगे बोलने, पुत्र को समझाने के लिए पिता ने एक मुट्ठी नमक लिया और उसे दिखाकर वह नमक पानी से भरे हुए एक शीशे के जग में डाल दिया। पानी को कुछ हिलाकर उसने पुत्र से कहा, देखो और बताओ नमक कहाँ है। पुत्र ने कहा कि नमक तो पानी में मिल गया। पिता ने पूछा, दिखता है? पुत्र ने उत्तर दिया, दिखता तो नहीं, अदृश्य हो गया है। अदृश्य मतलब जो दिखाई ना दे। पर है या नहीं? है तो कहाँ? सारे पानी में। पिता ने कहा, बेटा इस नमक को आँखों से नहीं देखा जा सकता, पर इस पानी की हर बूंद में नमक है। नमक के होने को पानी का स्वाद बताएगा, हमारी आँखें नहीं बताएंगी। परमात्मा भी इसी प्रकार इस सारे संसार में है, सभी वस्तुओं के कण कण में है, पर उसे हमारी जीभ भी नहीं बता सकती। नमक पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा, किंतु परमात्मा को कभी भी आँखों से या दूसरी बाह्य इंद्रियों से नहीं जाना जाता, उसे अंदर की आँख से अपने ही अंदर देखा जाता है। और जब उसके दर्शन हो जाते हैं तो फिर सब जगह वह ही वह दिखाई देता है। तो इस तरीके से पिताजी ने पुत्र को समझाया। दही में घी है पर दिखाई नहीं देता, उसे निकालने के लिए दही को मथना पड़ता है। तिलों में तेल है पर दिखता नहीं, तेल पाने के लिए तिलों को पीलना पड़ता है। लकड़ी और पत्थर में छिपी आग को देखने के लिए उन्हें रगड़ना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे अंदर तथा बाहर के सारे संसार में उस परमात्मा को अंदर की आँखों से देखने के लिए योग की आवश्यकता है। उसे ध्यान के द्वारा अनुभव करने के लिए आत्मा और परमात्मा के मेल की साधना आवश्यक है। पिता के इस प्रकार समझाने पर पुत्र समझ गया कि सब जगह रहते हुए भी परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता और उसे कैसे देखा जा सकता है। तो अब पुत्र को समझ आ गया कि ईश्वर कहाँ है और कहाँ रहता है। उसको समझ आ गया कि भगवान को जो है अपने अंदर की आँख से अपने अंदर ही देखा जा सकता है और उसे देखने के लिए योग साधना की आवश्यकता होती है। शिक्षा, हमारा अच्छा या बुरा कोई भी काम परमात्मा की नज़र से छिपा नहीं है। अच्छे काम का अच्छा फल होता है, बुरे काम का बुरा फल होता है। अतः हमें सदा अच्छा ही काम करना चाहिए क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदा अच्छा काम करना चाहिए क्योंकि अच्छे काम का फल अच्छा होता है और बुरे का बुरा होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कोई भी काम जो है वो परमात्मा की नज़र से छुपा नहीं है, तो हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए। तो बेटा, अब आप लोगों ने ये पाठ 5 जो है इसको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।